आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शाहजहां काल की चित्रकला पढ़ेंगे और प्लस हम लोग औरंगजेब की काल की चित्रकला पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग फाइनल देखेंगे मुगल कालीन चित्रकला की क्या मेन विशेषता है वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हर शासक की हम लोगों ने मेन विशेषता देखी, अब हम लोग आज के जो है चीज में क्या देखेंगे, जो पूरी ओवरऑल जो मुगल काल है उसकी क्या विशेषता बनती है। किससे स्टार्ट करेंगे, शाहजहां काल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहांगीर को पूरा कम्प्लीट कर लिया था। सबसे पहले देखेंगे शाहजहां किसका बेटा था, तो आपको पता है किसका बेटा था, ये जहांगीर का बेटा था। किसका बेटा था, जहांगीर का बेटा था, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग अलग से भी देख लेते हैं जिसमें कि अगर एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन दे दे तो हम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो शाहजहां की काल की चित्रकला यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। शाहजहां जो पुत्र था किसका था, जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था, तो 1592 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, ठीक है। 1592 में लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ था। इनकी माता के रूप में आपको याद रखना है जगत गोसाई, आपको याद रखना है। इनका विवाह, जाहिर सी बात इनके कई विवाह हुए थे, यानी कि कहा जाता है मुमताज महल इनके 13वें नंबर की पत्नी थी, 13वें नंबर की इनकी पत्नी थी, ठीक है। तो मुमताज महल इनकी वाइफ के रूप में आपको यहाँ पर याद रखना है, जिनकी याद में क्या है, ताजमहल बनवाया गया था, जिस जो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ताजमहल किसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था, जो क्या है, मुमताज महल, यानी कि अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। जिनको एक और नाम आपको याद रखना, अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही आपको अच्छे से याद रखना है, समझ में बात आई। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, जो आपका कहा है, आगरा में। ये पॉइंट आपको अच्छे से सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ताजमहल के वास्तुकार कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ताजमहल के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो वो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, समझ में बात आई। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं इनकी संतानों की, बात करते हैं इनके बच्चों की, बात करते हैं संतान। कहा जाता है इनकी 14 संतानें हुई थी जिनमें, ठीक है, कहा जाता है इनकी 14 संतानें हुई थी जिनमें क्या है, सिर्फ 7 ही क्या है जीवित हो पाई थी, ठीक है, यानी कि जीवित रह पाई थी। जिनमें क्या है, 4 हो जाएंगे पुत्र, 4 हो जाएंगे पुत्र और 3 हो जाएंगी पुत्रियां, ठीक है, 3 हो जाएंगी पुत्रियां। किसकी हम बात करें, शाहजहां के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 14 संतानों में 7 ही जीवित रह पाई थी, जिसमें 4 क्या थे, पुत्र थे, और 3 इनकी पुत्रियां जो है जीवित रह पाई थी। जिनमें यहाँ पर कौन कौन से पुत्र हो जाएंगे, पुत्रों को देख ले, पूछ लिया जाता है, ठीक है, देख लेते। पहले नंबर पे आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, दारा को याद रखना है, ठीक है। पहले नंबर पे पुत्र की बात कर रहे हैं, दारा हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर हो जाएंगे सूजा, ठीक है। तीसरे हो जाएंगे यहाँ पर मुराद, मुराद हो जाएंगे, ठीक है। और चौथे यहाँ पर औरंगजेब, जो आगे चल के इसके उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। औरंगजेब आगे चल के इसके उत्तराधिकारी बनते हैं, ठीक है, समझ में। तो दारा हो जाएंगे, सूजा हो जाएंगे, मुराद हो जाएंगे और औरंगजेब हो जाएंगे, समझ में बात आई। तो 4 यहाँ पर आपको पुत्र के रूप में याद रखना है, पुत्रियों की बात यहाँ पर नहीं कही। वैसे आपको पता है जहाँ आ रहा है रोशन, आ रहा है गौहर, आ रहा है, ये इनकी पुत्रियां थी, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर, इतनी चीजें आपको समझनी है, समझ में बात आई। ओके, आगे हम देखेंगे यहाँ पर, आगे के हम देखेंगे यहाँ पर। अब इनके काल में जो चित्रकार हैं, जो फेमस चित्रकार है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किन के काल के चित्रकार हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले आपको किसको याद रखना है, गोवर्धन को, मोहम्मद नादिर को, विचित्र को, चित्रमणि को, होनहार को, लालचंद को, फखीरुल्ला खां को और मीर हाशिम को। जिनमें आपकी ये जो फखीरुल्ला खां और जो मीर हाशिम है, ये आपकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार शाहजहां के टाइम में कौन है, तो फखीरुल्ला खां और मीर हाशिम आपको याद रखना है। जिनमें अगर हम बात करें फखीरुल्ला खां की, तो ये आपके शाहजहां का प्रधान चित्रकार था, ठीक है। तो फखीरुल्ला जो खां था, ये शाहजहां का प्रधान चित्रकार था, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा चित्रकार शाहजहां के टाइम का नहीं है, या इनमें से कौन सा चित्रकार है जो शाहजहां के टाइम का है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। फखीरुल्ला जो खां था, वो शाहजहां का क्या है, मुख्य चित्रकार के रूप में था, ठीक है। यानी कि हर शासक जो होता है, राजा महाराजा जो होते हैं, उनके एक दो क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, तो उसी तरीके से फखीरुल्ला खां यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा मीर हाशिम की बात करें, तो मीर हाशिम जो है किनके, किस तरीके के चित्र बनाने में निपुण था, तो व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था, ठीक है, व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था, यानी कि छवि चित्र कह सकते हैं या पोर्ट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर, इतनी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर शाहजहां के टाइम के जो चित्र है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। शाहजहां के टाइम के चित्र,
ठीक है। नंबर एक यानी कि उन चित्रों को मैंने दिया है जो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उन्हीं चित्रों को मैंने लिया है। इसके अलावा मैं कुछ और चित्र आपको बता दूंगी। यवन सुंदरिया, ठीक है, यवन सुंदरिया हो जाएगा। सूफी नृत्य करते शाहजहां, ठीक है, सूफी नृत्य करते शाहजहां। वृद्ध फकीर, ठीक है, वृद्ध फकीर। दारा शिको की बारात, ठीक है, ये किसने बनाया? हाजी मदनी ने बनाया, ठीक है। फिर हो जाएगा शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठा हुआ, शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठा हुआ। तो ये जो चित्र है जो आपके शाहजहां के टाइम के है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। क्लियर बात हुई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि दारा शिको की बारात ये किसने बनाया, तो हाजी मदनी ने बनाया। किसने बनाया? हाजी मदनी ने बनाया। ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें जो शाहजहां तख्त यानी शाहजहां जो है वो तख्त ताउस पर बैठा हुआ है, तो इस तरीके का चित्र यहाँ पर मिलता है जो कहाँ पर संग्रहित है। ये वाला जो चित्र है कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आपका पेरिस संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? बैरन म्यूरिस रूप चाइल्ड संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है, ठीक है। ये आपका कहाँ संग्रहित है? पेरिस में संग्रहित है। क्लियर बात हुई। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई। तो ये जो आपके मुख्य चित्र है ये आपको याद ही करने हैं। इसके अलावा मैं कुछ और आपको चित्र बताती हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। जल्दी आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहिए, मैं धीरे धीरे यहाँ पर लिखती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना मुगल सरदार, एक इनका चित्र है मुगल सरदार, ठीक है, समझ में बात आई। जो किसका चित्र है मुगल सरदार? अगर बात करो तो मीर हाशिम का चित्र है, ठीक है, मीर हाशिम का चित्र, यानी कि मीर हाशिम ने बनाया। फिर है इसके अलावा आपको याद रखना है कबीर और रामदास। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, मैं आपको बता दूं, मेवाड़ के राजा भीम, मेवाड़ दूसरा ये हो जाएगा, मेवाड़ के राजा भीम, ठीक है। तो ये आपका ये एक और चित्र हो गया। तीसरा चित्र एक और मैं और बता देती हूँ, वृद्ध अकबर, यहाँ पर मैंने वृद्ध फकीर लिखा, एक लिख लीजिए वृद्ध अकबर, ठीक है। तो बहुत से चित्र यहाँ पर मिल जाते हैं, तो वृद्ध अकबर जो है ये भी किसके काल का हो जाएगा? ये भी आपका शाहजहां के टाइम का हो जाएगा। तो यवन सुंदरिया, सूफी नृत्य करते शाहजहां, वृद्ध फकीर, वृद्ध अकबर, दारा शिको की बारात और शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठा हुआ। तो ये सारे चित्र किसके काल के हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे शाहजहां के टाइम के हो जाएंगे। समझ में बात आई। चलिए आगे हम देखते हैं इनके टाइम में जो एल्बम बनी यानी कि मुरक्का बने, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर चित्र लिखने थे। चलिए आगे हम देखेंगे जो इनके टाइम में जो सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है? पाशानामा है। पाशानामा यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, जो क्या है? एल्बम है, जो कब बनी थी यानी कब चित्रित हुई थी? 1656-57 में चित्रित हुई थी। कहीं पर 56 लिखा मिलता है, कहीं पर 57 लिखा मिलता है, तो 1656-57 आपको याद रखना है कि पाशानामा 1656-57 ईस्वी में चित्रित हुई। ये शाहजहां कालीन सर्वोत्कृष्ट कृति में से एक है, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट कृति में से एक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आपका ये अलग पूछ लिया जाता है कि पाशानामा जो है जो कृति है, जो एल्बम है, वो किसके काल की हो जाएगी यानी किसके काल में यहाँ पर हो जाएगी? तो आपको याद रखना शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां के काल में मेन कृति आपको ये अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। ओके, आगे हम बात करें कि यहाँ पर देखेंगे शाहजहां के टाइम की क्या क्या मेन विशेषता है, यानी कि शाहजहां के टाइम के जो चित्र है उनकी क्या क्या विशेषता है, क्योंकि हम लोगों ने सारे शासक को देखा, फिर उनके टाइम के चित्रों में क्या मेन विशेषता है वो सारी चीजें देखी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर शाहजहां के टाइम के चित्रों की विशेषता भी देखेंगे। अब आपको सबसे पहले तो एक विशेषता आपको ये याद रखनी है कि शाहजहां के टाइम में जितने भी चित्र बने थे वो कैसे चित्र थे? शान शौकत वाले चित्र थे। शान शौकत वाले चित्रों का यहाँ पर चित्रांकन हुआ, दरबारी वैभव मतलब शान शौकत वाले, राजसी वाले, ठीक है, यानी कि बहुत ही ठाट बाट वाले चित्रों का यहाँ पर चित्रांकन हुआ। किसमें? शाहजहां के टाइम में। स्याह कलम का अत्यधिक प्रयोग हुआ, ठीक है, स्याह कलम का अत्यधिक प्रयोग हुआ। यहाँ पर जो पगड़ियां बनी थी कैसे बनी थी? पगड़ियां छज्जेदार पगड़ी थी, जबकि हम लोगों ने जहांगीर में क्या पढ़ा था? खिड़कीदार पगड़ी पढ़ा था। जहांगीर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? खिड़कीदार पगड़ी यहाँ पर हम लोगों ने
पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, छज्जेदार पगड़ियां यहाँ पर बनाई गई है पुरुषों की। क्लियर बात है। सबसे पहले सुन लीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर ठाट बाट वाले चित्र बने हैं, यानी कि शान शौकत, ठाट बाट, दरबारी वैभव। तो इस तरीके से वर्ड्स अगर आ जाए तो आप अच्छे समझ जाइएगा ये शाहजहां के काल की बात हो रही है। फिर उसके बाद आपको याद रखना स्याह कलम का अत्यधिक प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद याद रखना शाहजहां के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है शाहजहां के टाइम में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, ठीक है। इसके टाइम में क्या है, चौड़े हाशिए बनने लगे थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, चमकदार रंग और सोने चांदी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर चमकदार रंग, चमक, ठीक है, चमकदार रंग, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है सोने चांदी के रंगों का यूज, सोने चांदी, ठीक है, सोने चांदी के रंगों का बहुत ही ज्यादा यूज हुआ किसमें, शाहजहां के टाइम में। यहाँ पर जो पगड़ियां बनी कैसी, छज्जेदार पगड़ियां बनी, ठीक है, समझ में बात आई। तो ये सारे पॉइंट आपको शाहजहां के टाइम में अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया चमकदार रंग, सोने चांदी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है, और ठीक है ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर मैंने बता भी दिया था, ओके। फिर हम बात करते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके टाइम को कहा जाता है, शाहजहां के टाइम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए चित्रकला का स्वर्ण काल, तो आपको याद रखना है मुगल, वो चित्रकला का स्वर्ण काल, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए चित्रकला का स्वर्ण काल, तो आपको याद रखना है किसको याद रखना है, जहांगीर को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो शाहजहां को याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्थापत्य कला और चित्रकला, तो स्थापत्य कला में आपको किसको याद रखना है, शाहजहां को, और चित्रकला में किसको याद रखना है, जहांगीर को याद रखना है, ठीक है। अभी और हम लोग ओवरऑल जो मुगल कालीन जो चित्रकला है उसमें ओवरऑल जो क्या विशेषता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो अभी हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग परेशान ना होइएगा कि अकबर के काल को क्या कहा जाता है, ओवरऑल मुगल काल को क्या कहा जाता है, तो अभी आप लोग परेशान ना होइए, अभी आगे हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम बात करेंगे औरंगजेब की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे औरंगजेब की बात करेंगे। लेकिन औरंगजेब को स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स आपके शाहजहां में रह गए हैं जो मैं लिखना भूल गई हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपको किसको याद रखना है कि सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, दारा शिको, जो दारा शिको इसका बेटा था, दारा शिको इसका जो बेटा था वो क्या था, चित्रकला प्रेमी था, ठीक है, चित्रकला प्रेमी था, ठीक है। इसने क्या है, 40 चित्रों का मुरक्का तैयार कराया, 40 चित्रों का मुरक्का तैयार कराया, किसने, 40 चित्रों का मुरक्का, ठीक है, मुरक्का मैंने आपको बताया यानी कि एल्बम, मुरक्का तैयार कराया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो दारा शिको है कितने चित्रों का मुरक्का तैयार कराया, 40 चित्रों का मुरक्का तैयार कराया, ठीक है, जो कहाँ पर संग्रही थे, तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रही थे, कहाँ पर संग्रही थे, इंडिया, ठीक है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रही थे, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, क्लियर बात है। तो ये चीज आपको किसके लिए याद रखना है, दारा शिको के याद रखना है, ठीक है। दारा शिको के मेन चित्र मैं आपको बता दूं, एक तो आपका हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर दारा शिको की बात चल रही है, दो बतखे, ठीक है, एक आपका हो जाएगा दारा शिको की बारात, जो मैंने पिछली मतलब यहाँ पर लास्ट स्लाइड में आपको बताया भी था, ठीक है, दारा शिको की बारात, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। तो दारा शिको कालीन चित्र कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर दारा शिको की बारात और दो बतके यहाँ पर याद रखना है। अगर हम दो बतके की बात करें तो ये कहाँ पर संग्रही थे, तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में, ये भी वाला यहाँ पर संग्रही थे, ये कहाँ पर संग्रही थे, इंडिया, ठीक है, ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रही थे, जहाँ इनकी क्या है, आपको मैंने अभी बताया, जो इनकी जो आपकी मुरक्का है 40 चित्रों वाली, वो वहां पर संग्रहित है। तो इसी तरीके ये दो बतके भी यहीं पर संग्रहित है, समझ में बात आई। तो ये आपको किसमें याद करना है, शाहजहां में, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, समझ में बात आई। और कुछ चीजें बची है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल का चित्र, मुगल युग का स्वर्ण काल, जो मैंने आपको बताया मुगल युग का स्वर्ण काल,
मुगल युग का जो चित्रकला का स्वरकार वो आपका हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, और स्थापत्य कला का मैंने किसको बताया, शाहजहां को बताया। इसके अलावा पूछा जाए साहित्य के क्षेत्र में स्वरकार, अगर इसके अलावा पूछा जाए साहित्य, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में स्वरकार किसके टाइम को हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अकबर, ठीक है, तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, और तीन सारे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो साहित्य का पूछा जाए तो आपको अकबर बताना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, मुगल युग का स्वर शाहजहां के काल को माना जाता है, मुगल युग का स्वर काल शाहजहां के काल को माना जाता है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, मैं लिख दूं सारी चीजें जिससे कि आप लोग यहाँ पर समझ पाए। साहित्य का क्षेत्र हो गया, ठीक है, अगर चित्रकला का पूछा जाए, चित्रकला का पूछा जाए तो आपका हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है। फिर स्थापत्य कला का पूछा जाए, स्थापत्य कला का पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, शाहजहां, ठीक है। इसके अलावा पूरे मुगल काल का पूछा जाए, अगर पूरे मुगल काल का पूछा जाए, मुगल काल का पूछा जाए तो आपको किसको बताना है, शाहजहां को बताना है, ठीक है। स्थापत्य कला और साथ में पूरे मुगल काल का किसको बताना है, शाहजहां को बताना है। यही मैं यहाँ पर चीज बता रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए कि मैम क्या बता रही, तो ये आपके पॉइंट यहाँ पर, इतनी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया द्वितीय स्वरकाल किसे कहा जाता है, तो द्वितीय स्वरकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, द्वितीय स्वरकाल किसे कहा जाता है, तो द्वितीय स्वरकाल किसे कहा जाता है, मुगल काल को कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय स्वरकाल किसे कहा जाता है, तो मुगल काल को कहा जाता है, जबकि पहला वाला किसका था, गुप्त काल को, पहला वाला कौन सा था, गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल, और द्वितीय अगर पूछा जाए तो यहाँ पर मुगल काल हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई, साहित्य के क्षेत्र में अकबर, चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर, स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां, और पूरे पूरे जो है पूरे मुगल काल का स्वरकाल शाहजहां, ठीक है, पूरे मुगल काल का जो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। क्लियर बात। अगर आपसे पूछा है द्वितीय स्वरकाल किसे कहा जाता है, तो द्वितीय जो स्वरकाल है वो किसे कहा जाता है, मुगल काल को ही कहा जाता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पर हुआ। आगे हम चलते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे, ठीक है, एक मिनट पहले इसको इरेज मारते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे हम देखेंगे औरंगजेब को, यहाँ पर अच्छे से हम लोग देखेंगे औरंगजेब को, यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे औरंगजेब के टाइम में। अब जाए देखिए, पहले मैंने आपको बताया जो चित्रकला का जो पतन है वो कब से कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो आपका शाहजहां के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। औरंगजेब के आते आते पूरी चित्रकला क्या हो जाती है, विलुप्त समझो हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो औरंगजेब था वो क्या है, कला प्रेमी शासक नहीं था, ठीक है, बल्कि क्या था, ये चित्रकला विरोधी शासक था। उसको ऐसा लगता था, ठीक है, मैंने कि उसको जो है क्या है, चित्रकला से कोई भी लगाव नहीं था, अब वो इसको अपने धर्म के विरुद्ध मानता था। इस वजह से यहाँ पर औरंगजेब ने चित्रकला को कोई भी बढ़ावा नहीं दिया। फिर भी इसी काल में कुछ चित्रकला का जो चित्र मिलते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें इसके काल में कोई भी चित्रकला को बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो औरंगजेब के टाइम के चित्र यहाँ पर मेन देख लेंगे, एक तो औरंगजेब की युवा काल की मुखाकृति, एक चित्र आपको ये मिल जाएगा। फिर औरंगजेब वृद्ध अवस्था में, औरंगजेब वृद्ध यहाँ पर क्या है, युवा काल यानी कि यंग एज वाले हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बूढ़े यानी कि वृद्ध एज वाले हो जाएंगे। फिर है बीजापुर का घेरा, तो ये आपको चित्र यहाँ पर अच्छे से याद रखने, जिनमें आपका बीजापुर का जो घेरा है वो सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट चित्र बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो औरंगजेब की युवा काल की मुखाकृति जो कहाँ पर, ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये भी याद रखिएगा, ये ब्रिटिश, ठीक है, ये ब्रिटिश संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है, ठीक है, कहाँ पर संग्रहित है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है, ठीक है। तो औरंगजेब के युवा काल की मुखाकृति, औरंगजेब वृद्ध अवस्था में, और बीजापुर का घेरा, ये आपको किससे याद रखना है, औरंगजेब कालीन चित्र यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है, औरंगजेब कालीन चित्रकला में चित्र ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। आगे हम देखेंगे औरंगजेब जो था वो क्या था, वो वीणा वादक था, ठीक है, वो खुद तो स्वयं जो क्या था, वीणा वादक था, ठीक है, और कुशल सुलेखक भी था, ठीक है। तो औरंगजेब जो खुद था, ठीक है, तो ये क्या है, वीणा वादक था, बहुत अच्छा वीणा
वादक था। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे याद रख लीजिए, मैं लिख देती हूँ वीरा वादक, और क्या है एक अच्छा सुलेखक भी था, कौन? औरंगजेब। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेने हैं। आगे हम बात करते हैं औरंगजेब ने ताजमहल की देखा देखी, इसने भी क्या है अपनी बीवी की याद में, अपनी बेगम की याद में बीवी का मकबरा बनवाया। किसका मकबरा बनाया? बीवी का मकबरा बनवाया, यानी कि ये क्या है ताजमहल की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो नकल पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसको फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है। समझ में बात आई? तो यहाँ पर औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया, ठीक है, जो कहाँ बनाया? औरंगाबाद में बनाया। औरंगाबाद आपका कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इसी इमारत को क्या कहते हैं? फूहड़ ताजमहल भी कहते हैं। फूहड़ ताजमहल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाए फूहड़ ताजमहल किसे कहा जाता है, तो जो औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था ताजमहल की नकल करके, उसी को बोलते हैं फूहड़ ताजमहल, फूहड़ ताजमहल कहते हैं। ठीक है, तो ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो उतनी मतलब उतना अच्छा बन नहीं पाया, जिसकी वजह से इसको फूहड़ मकबरा कहा जाता है। ठीक है, इनकी बीवी का नाम क्या था, यानी कौन सी बीवी के नाम पर इन्होंने बनाया? तो दिलवास बानो बेगम। क्या नाम था इनकी पत्नी का? दिलवास, ठीक है, दिलवास बानो बेगम की, दिलवास बानो बेगम की याद में बनवाया, यानी कि इनकी मृत्यु की बाद ही बनवाया। ठीक है, तो औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलवास बानो बेगम था, इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने ताजमहल की नकल करते हुए, ठीक है, नकल करते हुए बीबी का मकबरा नाम से एक इमारत बनवाई थी। ठीक है, जो किसकी नकल थी? वो ताजमहल की नकल थी। समझ में बात आई? तो इतनी चीजें आपको औरंगजेब में याद रखना है। इसके अलावा औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है औरंगजेब को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है औरंगजेब को कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे हम देखेंगे संपूर्ण मुगल शैली की विशेषता देखेंगे। पूरी जो ओवरऑल जो मुगल शैली है, मुगल चित्रकला है, उसकी हम पूरी तरीके से विशेषता देखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हम लोग को देखिए, यहाँ पर जो आप हम लोग बात करें मुगल काल की बात करें, जो मैंने आपको बताया बाबर हो जाएंगे, हुमायूं हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे, ठीक है, फिर जहांगीर हो जाएंगे, फिर शाहजहां हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके औरंगजेब हो जाएंगे, यानी कि ये आपका जो पूर्व मुगल काल है, उतने ही आपको चित्रकला के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इसके अलावा जो उत्तर मुगल काल की बात करें, तो उसमें आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, उत्तर मुगल की इसके बाद में बहुत से ऐसे शासक आए, मुगल काल में बहुत ऐसे शासक आए, तो उनका बहुत ज्यादा चित्रकला के व्यू से हम लोग को कुछ भी वहां पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतने ही छह ही हम लोग को शासकों को पढ़ना था मुगल चित्रकला में। क्लियर बात हुई? अब हम बात करते हैं संपूर्ण मुगल शैली की विशेषता की, हम बात करेंगे संपूर्ण मुगल शैली में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ले आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना, सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसके टाइम में बने? तो अकबर के टाइम में बने। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र पूछे, सर्वाधिक यहाँ पर व्यक्ति चित्र पूछे, तो आपको याद रखना अकबर के टाइम में बने। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छे व्यक्ति चित्र किसके टाइम में बने, तो जहांगीर के काल में बने। तो अच्छे आपके किस में हो जाएंगे, परफेक्शन किस में आया आपको याद रखना है, तो किसके टाइम में हो जाएगा? जहांगीर के टाइम में। और अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा, यानी कि जो है संख्या किस में ज्यादा थी, तो अकबर के टाइम की सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, दोनों ही आपको याद रखने हैं, और ऑप्शन में आपके यहाँ पर दोनों ही दिए होंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो पूरी ओवरऑल अगर मुगल शैली की बात करें, उसमें कितने चश्म चेहरे बने थे, तो एक चश्म चेहरे बने हैं। ठीक है, देखिए कहीं पर आपको डेढ़ चश्मे मैंने बताया, कहीं पर एक चश्म बताया, लेकिन अगर ओवरऑल मुगल शैली की बात करें, तो यहाँ पर एक चश्म चेहरे बने हैं। ठीक है, तो चेहरे कैसे हो जाएंगे? एक चश्म, यानी कि एक आंख को ज्यादातर चित्रों में दिखाया गया है। समझ बात है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अधिकांश जो व्यक्ति चित्र है वो कैसे बने? एक चश्म चेहरे वाले बने हैं, ओवरऑल मुगल शैली की अगर हम बात करें, क्योंकि हर मुगल शैली में चश्म पूछे आते हैं कि आपकी ईरानी शैली कितने चश्म की है, मुगल शैली कितने चश्म की है, राजस्थानी शैली में कितने चश्म बने हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यही पर मैं लिख देती हूँ। फिर हम बात करें कि मुगल काल में चार तरीके की लिपियों का विकास हुआ, मुगल काल में चार तरीके की लिपियों का विकास हुआ। ठीक है, चार तरीके की लिपियों का विकास हुआ। कौन कौन सी यहाँ पर लिपि हो जाएंगी, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कौन कौन सी। एक तो हो जाएगी कूफी लिपि। कौन सी हो जाएगी? कूफी लिपि। ठीक है, कूफी लिपि, ठीक है, कूफी लिपि हो जाएगी। दूसरी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? नस्तालीख लिपि। कौन सी? नस्तालीख लिपि। ये सब नोट कर लीजिए, नस्तालीख
लिपि हो जाएगी। ठीक है, यह मैंने लिखा नहीं तो इसे आपको नोट करना है। फिर तीसरी कौन सी हो जाएगी, शिकस्त लिपि। ठीक है, शिकस्त लिपि। ठीक है, इसके बाद कौन सी हो जाएगी, चौथी कौन सी हो जाएगी, नश्क लिपि। कौन सी हो जाएगी, नश्क लिपि हो जाएगी, नश्क लिपि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको चार लिपियां हैं। अब देखिए कूफी लिपि में क्या होता है, यहाँ पर बहुत मुड़े अक्षर वाले जो है, जो बहुत मुड़े अक्षर वाले जो होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बहुत मुड़े, ठीक है, बहुत मुड़े अक्षर वाले, यानी कि इसमें क्या है, अक्षर क्या है, बहुत ज्यादा मुड़े होते हैं, और इससे थोड़ा सा कम मुड़े, कुछ कम मुड़े, ठीक है, कुछ मुड़े, यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ मुड़े अक्षर वाली कौन सी, नस्तालीख लिपि हो जाएगी। और शिकस्त लिपि में क्या, बहुत कम मुड़े हुए, बहुत कम मुड़े हुए, बहुत कम मुड़े हुए अक्षर जिसमें बने होते हैं वो कौन सी हो जाएगी, शिकस्त लिपि हो जाएगी। और सीधे अक्षर वाली, सीधे अक्षर में नश्क लिपि हो जाएगी, सीधे, ठीक है, सीधे अक्षर वाली। ठीक है, तो समझ में बात आई। तो कूफी लिपि में बहुत मुड़े अक्षर यहाँ पे मिलेंगे, नस्तालीख लिपि में कुछ मुड़े अक्षर, ठीक है, शिकस्त लिपि में बहुत कम मुड़े अक्षर, और नश्क लिपि में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट अक्षर। समझ में आए, तो यहाँ पर ये लिपि को आपको पता ही है कि लिखने की जो आपकी लिखने वाली जो आपकी होती है उसको बोलते हैं लिपि बोलते हैं। जैसे कि आपने हिंदी की लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी लिपि हो जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लिपियां हैं। ठीक है, और इन लिपि में किस किस तरीके से अक्षर बनते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और ये जो लिपियां हैं इनका विकास जो है आपको मुगल चित्रकला में चार लिपियों का विकास हुआ, ये चारों लिपि को आपको अच्छे से याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, आगे हम लोग चलते हैं, काफी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है बहुत अच्छे से। ओके, ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर अकबर तथा जहांगीर। अब देखिए इनके टाइम में कुछ जो सुलेखक हैं, ठीक है, जो लिखने का काम करते थे वो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो अकबर आपको याद रखना है, अकबर और जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक, ठीक, कौन था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। अकबर और जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक कौन था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। शाहजहां का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक कौन था, मीर हाशिम था। ठीक है, तो मीर हाशिम किसका हो जाएगा, शाहजहां का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक हो जाएगा। समझ में बात आई। इसके अलावा हम बात करें मुगल काल में, ठीक है, कुछ और सुलेखक है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे जहांगीर के काल में और कौन सुलेखक थे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो जहांगीर के काल के हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे कि आपके हो जाए अब्दुल रहीम हिरवी, ठीक है, अब्दुल रहीम हिरवी हो जाएंगे। दूसरी कौन से हो जाएंगे, मीर अब्दुल्ला, मीर अब्दुल्ला। और इन सुलेखकों को क्या है, आपको पता है उपाधि भी दी गई थी, तो मीर अब्दुल्ला, ठीक है, मीर अब्दुल्ला। ठीक है, तीसरे कौन से हो जाएंगे, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो आपको अच्छे से पता है खाने खाना, ठीक है, खाने खाना। ठीक है, तो यहाँ पर हिरवी यानी कौन, हिरवी, अब्दुल रहीम हिरवी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, फिर मीर अब्दुल्ला हो जाएंगे, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये जो है सुलेखक किसके टाइम के हो जाएंगे, ये आपके मेन जो किसके टाइम के हो जाएंगे, जहांगीर के टाइम के हो जाएंगे, मेन आपको याद रखना है। ठीक है, शाहजहां के टाइम के मैंने आपको बता दिया, मीर हाशिम यहाँ पर हो गए। इसके अलावा इन सुलेखकों को क्या है, मतलब उपाधियां वगैरह भी दी गई थी, तो वो उसको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, कहीं पे आज यहाँ पर ना पढ़े। ठीक है, अलग से हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर उपाधि कौन कौन सी दी गई, किसको कौन सी उपाधि दी गई। इसके अलावा मुगल काल में कौन कौन सी शब्दावली है जिनका पूछा, जैसे मुरक्का क्या होता है, वसली क्या होता है, ठीक है, और नक्काश किसे कहते हैं, नक्काशी किसे कहते हैं। तो इस तरीके से वर्ड्स आते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो उस तरीके से वो अलग अलग छोटे छोटे करके टॉपिक्स को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वर्तिका। अब मुगल काल में हम लोग देखेंगे किन तरीकों की वर्तिका, वर्तिका मतलब कूची, कूची मतलब ब्रश, कैसे किस तरीके के ब्रश का, कूची का, वर्तिका का यूज हुआ है। तो यहाँ पर आपको गिलहरी की भी कूची मिल जाती है, इसकी गिलहरी के यानी कि गिलहरी के बालों से बनी कूची भी मिल जाती है। इसके अलावा आपकी ऊंट के बालों से बनी कूची भी मिल जाती है। इसके अलावा बकरे के, भैंसे के और फारसी बिल्ली के। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जो है किसका यूज हुआ है, तो गिलहरी के बालों की वर्तिका का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना, गिलहरी के बालों की वर्तिका का यूज सबसे ज्यादा हुआ है किसमें, मुगल काल में। ठीक है, तो वैसे तो आपका गिलहरी भी हो जाएगा, ऊंट भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर भैंसे भी हो जाएंगे, फारसी बिल्ली भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बालों की वर्तिका बना करके इसका यूज हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और जिनमें सबसे ज्यादा आपको पूछा जाए तो गिलहरी, 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 इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है।
और एक आपको मेन आपको बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो माले है यानी कि जब माला बनाने के लिए क्या मोती वगैरह का जो यूज यानी कि मोती बनाई जाती होंगी, ठीक है, तो माला के दाने बनाने के लिए वर्तिका के स्थान पर यानी कि माला के जो दाने बनाए जाते थे तो वहां पर वर्तिका का यूज नहीं किया जाता, यानी कि ब्रश का यूज नहीं किया जाता था, बल्कि किसका यूज किया जाता था, रुई के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? रुई के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो रुई के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, किसके लिए? माला बनाने के लिए। किसके लिए? माला बनाने के लिए। किसमें? मुगल काल में, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है अरहर तथा इमली की लकड़ी जलाकर, ठीक है, अरहर ठीक है, और क्या है, इमली, अरहर और इमली की लकड़ी जो है क्या है, जला करके उससे भी यानी कि उससे भी उसका रेखांकन किया जाता था, ठीक है। फिर से समझिए, अरहर और इमली की लकड़ी जला करके उसे रेखांकन के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक। इतनी चीज आपको ये सब चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताने जा रही हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रही हूँ जो आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, सुन लीजिए। यहाँ मुगल काल में काले रंग की बत्ती को क्या कहते थे? कालांजलि कहते थे। काले रंग की बत्ती को क्या बोलते थे? कालांजलि बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? कालांजलि, ठीक है, कालांजलि, ठीक है। और जबकि क्या है, रंगीन बत्ती को क्या बोलते थे? रंगीन बत्ती को क्या बोलते थे? शलाका, ठीक है। तो ये भी दो पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, काले रंग की बत्ती को कालांजलि और रंगीन बत्ती को शलाका, ठीक है। तो ये आपको मुगल काल में दो ये शब्दावली और अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक, समझ में बात आई, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें मुगल काल में रात्रि चित्रण बहुत ही कम मिलता है। मुगल काल में रात्रि चित्रण यानी कि शाम का चित्रण यानी कि रात का चित्रण क्या है, बहुत ही कम मिलता है, समझ में बात है। तो ये आपको अलग से पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, ओवरऑल मुगल काल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर बाकी और है, थोड़े से और पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये फाइनल चीज चल रही है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं मुगल काल के महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी, तो आपको याद रखना है इसकी दरबारी भाषा क्या हो जाएगी? फारसी इसकी दरबारी भाषा थी। मुगल काल की दरबारी भाषा यानी कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। दूसरा स्वर का किसे कहा जाता है? मुगल काल को कहा जाता है, जो मैंने आपको पिछले मतलब आगे आपको बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो दूसरा स्वर काल क्या हो जाएगा? मुगल काल। और जो पहले अगर स्वर काल की बात करें तो गुप्त काल, क्लियर बात हुई। तो दूसरा स्वर काल कौन सा हो जाएगा? मुगल काल यहाँ पर हो जाएगा, अच्छे से आपको याद रखना है। फिर क्या है, मुगल चित्रकला को लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मुगल चित्रकला को लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जबकि आपको पता है जो लघु चित्रकला स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पाल शैली से। लघु जो आपकी चित्रकला है, ठीक है, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपकी पाल शैली से होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो यार कई बार पूछा जा चुका है, एक दो बार नहीं, कई बार, ठीक है। तो लघु चित्रकला स्टार्ट कहाँ से होती है? पाल शैली से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो मुगल चित्रकला को लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर चीज यहाँ पर समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बताती हूँ जो आपको लिखने हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें हुमायूं की, ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कौन सा ऐसा राजा था जो अपने प्रवास काल के दौरान अपने साथ पुस्तकें रखता था, तो आपको याद रखना है पुस्तकें रखता था और चित्र बनवाता था। कौन सा ऐसा जो है शासक था जो अपने साथ क्या है, पुस्तकें रखता था और प्लस क्या है, चित्र बनवाता था, ठीक है। किसके टाइम में? प्रवास काल के टाइम में, प्रवास काल में, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। तो हुमायूं यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपने प्रवास काल के टाइम में अपनी क्या है, पुस्तकें रखता था और क्या है, साथ में चित्र बनवाता था, तो कौन सा हो जाएगा? हुमायूं को आपको याद रखना है, ये आपको पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है अकबर एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध के दौरान चित्र बनवाए। कौन सा ऐसा राजा था जिसने युद्ध के दौरान चित्र बनवाए? युद्ध के दौरान चित्र बनवाए
वन वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके अकबर हो जाएंगे, ठीक है अकबर, ठीक है। तो ये आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं कुछ और बता देती हूँ। मुगल काल को द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। मुगल चित्रकला को लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको फिर से सुन लीजिए कि मुगल काल को द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है और मुगल काल को चित्रकला के लिए चित्रकला को, ठीक है, मुगल चित्रकला जो है उसे क्या है, लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखना है, अकबर के दरबार में अधिकांशतः हिंदू चित्रकार थे, ठीक है। तो अकबर के अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा शासक था जिसके काल में ज्यादातर जो चित्रकार थे वो कैसे थे, हिंदू थे। तो अकबर के दरबार में अधिकांशतः हिंदू चित्रकार थे, जो क्या है, शिलावट, कायस, खाटी और कहार जाति के थे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट सुन लेना है, समझ आपको याद रहेगा वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए समस्त अगर मुगल काल में कौन सा ऐसा शासक था जो सबसे ज्यादा कला प्रेमी था, तो आपको किसको याद रखना है, तो आपको अच्छे से किसको याद रखना है, जहांगीर को याद रखना है। तो समस्त मुगल राजाओं में जहांगीर सबसे बड़ा कला पारखी राजा था, ठीक है। तो जहांगीर क्या है, सबसे ज्यादा कला प्रेमी शासक था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता है, कला प्रेमी, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, क्लियर, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, अभी कुछ और पॉइंट बाकी अगर हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इतने ही रखते हैं आज, ये आपका पूरा आपका मुगल काल यहाँ पर पूरा फाइनल हो गया है। कुछ और मैं याद कर लूँ अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हो तो मुझे आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो इतनी चीजें हो गई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोगों ने आज पूरे मुगल काल को कंप्लीट कर लिया, आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी शैली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग को कौन सी शैली पढ़नी, राजस्थानी जो शैली है वो भी आपका बहुत ही लंबा टॉपिक है, उसको भी हम लोग कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी देखिए राजस्थानी शैली के अंदर आपकी जो है चार शैली आ जाएंगी, फिर चार शैली के अंदर उसकी उप शैली आ जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हर शैली को पढ़ेंगे तो वहां पर पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो ही जाएंगे, तो इसलिए आपके पार्ट्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो डिटेल से पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम हर चीज में लग जाता है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। अगर आपको मेरी क्लास से कुछ भी फायदा हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे होता क्या है कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाता है।